मकसद ये है कि हमें यहाँ दुरुस्त संतान को लेके जाना है वापस, उसके लिए आए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे लग रहा है कि इमिग्रेशन पे खड़े हुए कि आपका मकसद क्या है। वो जो दो बॉक्सर गए हैं उन्हीं को वापस लेके जाएंगे हम यहाँ से। वो जो घूम गए थे बेसिकली यहाँ पे कॉमनवेल्थ के लिए जो आए हुए थे, ऐसी बात नहीं है। हम लोग अपने शोज के लिए आए थे यहाँ पे में। और बहुत प्यार मिला यूके से हमें, और बहुत अच्छा रहा, अच्छा लगता है यहाँ पर आके लोग ओवरसीज पाकिस्तानियों से मिलके। हीरा मानी और मानी सुलमान इन दिनों यूके में मुकीम हैं, जहाँ वो मुख्तलिफ कॉन्सर्ट और अपना परफ्यूम लॉन्च करते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान एक तकरीब में सहाफी ने सवाल किया कि आप पाकिस्तान में किस पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं, जिसके जवाब में मानी ने कहा, जो पार्टी स्ट्रगल करती है मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, आजकल मेरी सपोर्ट PSP के साथ है। मैं तो काफी अरसे से PSP को सपोर्ट कर रहा हूँ, मुस्तफा कमाल को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है फ्यूचर को आपको सपोर्ट करना चाहिए। मुझे पता है अभी तो थोड़ी मुश्किल आ रहा था PSP के लिए, लेकिन इवेंचुअली उन्होंने आना है, मुस्तफा कमाल ने आना है, और अभी सिर्फ उनकी एज 50 साल के करीब है। इसी दौरान हीरा ने मानी की बात काटते हुए कहा कि मानी PTI को उस वक्त से सपोर्ट कर रहा है जब हमारी नई नई शादी हुई थी, और मैं अपना एक छोटा सा बच्चा उठाकर PTI के जलसों में जाती थी। जैसे नई नई शादी हुई थी तो तब मानी PTI को बहुत, इमरान खान को बहुत सपोर्ट करते थे, तब मैं अपना छोटा सा बच्चा लेके एक दफा हम गए थे, पता नहीं कहा दो दरिया पे खाना था जहाँ पे इमरान खान आए थे, और मुजम्मिल, इमरान खान और तुम, हम सब साथ बैठ के खाना खा रहे थे, और तब कोई 20 लोग होंगे वहाँ पे। तो मैंने मानी को बोला, मैंने कहा इनके साथ तो कोई है ही नहीं, तुम क्या करते हो इनके साथ, तो मुझे भी ले आते हो यहाँ, मुझे अम्मी के हैदरी जाना था, तुम मुझे अजीब यहाँ ले आए। तो कहता होगा एक दिन ये सब होंगे इनके साथ, तुम फिक्र नहीं करो। तो मुझे वो चीज ना मानी की एक जद्दोजहद थी अपनी पार्टी के साथ, मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ, ना मैंने पूछती हूँ। लेकिन उसके बाद अब जब मैं मुस्तफा भाई के साथ मिलती हूँ, और मैं मुस्तफा भाई के साथ हम डाइन आउट करते हैं, या उनके पास मैं जाती हूँ, या मानी हम लोग जाते हैं जब उनका धरना ये चीजें हो रही होती हैं, तो मैं कहती हूँ मानी अभी फिर से वो ही चीज रिपीट हो रही। मानी कहता है वो बने थे ना, हम खड़े थे ना साथ, सच्चे लोग, अब ये भी बने क्योंकि हम सच्चे लोग। उसके बाद सहाफी ने पूछा, क्या अल्ताफ हुसैन वापस पाकिस्तान आएंगे, जिसके जवाब में मानी ने कहा, नहीं आ सकते वापस, टिकटॉक पे आ सकते, टिकटॉक पे वैसे आ चुके हैं, आ चुके हैं उनका अकाउंट, ये बहुत गलत मशवरे दे रहे हैं उनको। हाँ, ये ऐसे नहीं, इस तरह यूथ पे नहीं हो सकते, मतलब एक लीडर है, इतना बड़ा लीडर था, उसको थोड़े दिन के लिए खामोशी रखनी चाहिए, लेकिन पता नहीं उनके साथ जो लोग हैं वो कुछ बता रहे हैं। आखिर में सहाफी ने सवाल किया कि आपकी आने वाली फिल्म का नाम कुछ नामुनासिब नहीं है, जिसके जवाब में मानी का कहना था कि हमारी पाकिस्तानी कौम बहुत मुनाफिक है, वो पड़ोसी ममालिक में हर वो कंटेंट देखती है जिसकी यहाँ पे पाबंदी होती है। बुरा समझा जाता है, पता नहीं, हमारे यहाँ तो हर चीज बुरी समझी जाती है, लेकिन वही चीजें लोग कर रहे होते हैं। तो मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ, जो आप है, जैसा माशरा है, जो चीज है वो आप दिखाए, इतनी लगी लिपड़ी बातें हैं, और हम वही चीजें साथ में बराबर में हिंदुस्तान से देख रहे होते हैं, तो पता नहीं हम लोग बहुत मुनाफिक किस्म के लोग होते हैं वैसे की असल में, गाली वैसे दे रहे होते हैं, और क्या मैं सामने कुछ देते हैं ना, ये इसको भी आती है गाली देना, ये हमारी कौम का मसला है, ये इसको ही नॉर्मल करने के लिए हम जैसे लोग टीवी पे आए थे बेसिकली। आप जो बातें कर रहे हैं ये बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी, तो आपकी ट्रोलिंग भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई ट्रोल कर रहा है, क्योंकि ट्रोलर जो है उसके पास एक कीबोर्ड है और वो उसी से अपना जहाद कर सकता है, मेरे पास फिर भी ये मीडियम है और मैंने अपनी बड़ी एफर्ट करके अपना नाम बनाया है यहाँ तक, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता।